हाय गाइस, वेलकम टू एचसी म्यूजिक। आई एम हिमांशु चावला। आज मैं आप लोगों के साथ एक गाना अपना शेयर करना चाहता हूँ, इमेजिन, जो कि गाया था मिका सिंह और केका घोषाल ने। मेरे को कुछ लोगों ने पूछा कि मेरा गाना गाने बनाने का म्यूज़िक बनाने का म्यूज़िक प्रोडक्शन करने का क्या प्रोसेस होता है, मैं कहाँ से साउंड्स यूज़ करता हूँ। सो बेसिकली वैसे तो हर गाने का डिफरेंट प्रोसेस होता है, सेम नहीं होता किसी का भी, लेकिन एक ये गाना मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें थोड़ा कुछ दिखाना चाहूँगा कि मैंने कैसे कहाँ कहाँ से कौन सी साउंड्स यूज़ की हैं। सो आई होप आप लोगों को कुछ हेल्प करेगी ये वीडियो। आप लोगों को पहले मैं थोड़ा सा गाना सुना देता हूँ और उसके बाद मैं ट्रैक बाय ट्रैक आप लोगों को दिखाऊँगा कि मैंने क्या क्या यूज़ किया है, कहाँ से यूज़ किया है। सो शुरू करते हैं। तेरे नाल मैं करता लाइफ इमेजिन, तेरे नाल मैं करता लाइफ इमेजिन, बन जा मेरी वाइफ इमेजिन, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे हम, गाने लाउड बजाएंगे, तू हाँ कर दे एक बारी, तू हाँ कर दे एक बारी, तू हाँ कर दे एक बारी, कुड़िया जग घुमाएंगे इमेजिन। Imagine, I imagine away, imagine, I imagine away, imagine, I imagine away, imagine, imagine, I imagine away, imagine, I imagine away, imagine, I imagine away, imagine. So, आप पूरा गाना सुन सकते हैं YouTube पे, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा पोस्ट में, आप उस पे जाके पूरा गाना सुन सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने बेसिकली कैसे इसका प्रोडक्शन किया है। सो ये पूरा सेक्शन रिदम सेक्शन है पूरा, जो भी आप ये पूरा देख रहे हैं, और मैक्सिमम साउंड्स मैंने लॉजिक के इंस्ट्रूमेंट्स की ही यूज़ की हैं। सबसे पहले किक है, ये भी लॉजिक की ही किक है, मैंने इसे वेव फाइल में कन्वर्ट किया हुआ है। मिडी मैंने डिलीट की है क्योंकि कई बार प्रोजेक्ट हैवी हो जाता है, उसकी वजह से मैं वेव में कन्वर्ट करके रखता हूँ फाइल्स को। सो सुनिए ये किक। देन दिस स्नेयर विद द टैम्बोरिन। सो दोनों की अपनी जगह है, स्नेयर की अपनी जगह है, अपने डायनामिक्स हैं, टैम्बोरिन के अपने डायनामिक्स हैं, लेकिन दोनों आपस में मिलने के बाद काफ़ी रिच साउंड करते हैं, तो इस वजह से मैंने टैम्बोरिन स्नेयर के साथ ही यूज़ किए हैं। उसके आगे जब सेक्शन कोरस की तरफ बढ़ता है तो ये क्लैप्स आती हैं। साथ में ये स्नेयर। सो बेसिकली ये जो स्नेयर है ये मैंने पिच शिफ्ट किया हुआ है। सो वेव्स का साउंड शिफ्टर यूज करके मैंने इसे पिच शिफ्ट किया है ऑटोमेशन के थ्रू। और इसके साथ चल रहे हैं हाई हैट्स। अब इस सेक्शन में भी साथ में स्नेयर है, ये स्नेयर के रोल्स हैं और साथ में हाई हैट्स हैं। इसके आगे चलते हैं, आगे मैंने रखा है मृदंगम और थर्ड, थोड़ा फोक फ्लेवर देने के लिए। और आगे अब आता है मृदंगम। आगे चलकर थोड़ा मृदंगम का पैटर्न चेंज होता है जैसी गाना थोड़ा उठता है। और इसी के साथ एक और ये टैम्बोरिन प्ले होती है।
शेकर और टैम्बोरिन का मिक्सचर है, ये लूप है, ये लॉजिक का ही मैक्सिमम साउंड्स मैंने लॉजिक की ही यूज़ की हुई हैं। सो सारा रिदम सेक्शन अगेन जब कोरस पे आता है गाना तो कोरस पे ढोल भी मैंने रखे हैं, दीज आर दी ढोल्स। सो ये ढोल का सैंपल है जिसमें कि मैंने एक ढोल का सिर्फ हाई एंड यूज किया है, और एक ढोल पूरा एज इट इज यूज किया है। सिर्फ लोज इसके मैंने काटे हैं क्योंकि बिलो 100 किक और बेस की जगह होती है तो वहां पे ढोल क्लैश करेगा किक और बेस के साथ, इसलिए मैंने इसके लोज काटे हुए हैं। और ये दोनों ढोल की साउंड्स आप सुन सकते हैं साथ में। अब सुनते हैं इसे पूरे रिदम सेक्शन के साथ। देन आई हैव प्रोग्राम्ड द बेस एंड यूजिंग सीरम। हियर इज द सीरम, दिस इज द बेस, ऑलरेडी प्रीसेट है ये बेस। मैंने इस पर थोड़े बहुत चेंजेस किए, ज़्यादा नहीं, और ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग करी इसके ऊपर, एक कंप्रेसर, एक सैचुरेशन लगा के, और एक इसमें हाई ऑक्टेव बेस है और एक सब बेस है। दोनों हैं सेम साउंड, बस ऑक्टेव का फ़र्क है, ताकि अगर कोई छोटे स्पीकर पे भी सुने गाना तो उसको बेसिकली बेस सुनाई दे, इसलिए हायर ऑक्टेव भी मैंने ये यूज़ किया है। अब इसे सब बेस के साथ भी सुनते हैं, खाली सब बेस प्ले करता हूं मैं। ऑब्वियसली आपको एक अच्छे हेडफोन्स या स्टूडियो मॉनिटर्स में इसको सुनना होगा, तभी आपको सुनाई देगा सब बेस इसके साथ में ये। सो फिर दी रिदम सेक्शन। ये एक रिवर्स सब बेस है, इसी में से काट के मैंने बनाया है ताकि जब गाना उठ रहा है तो वहां थोड़ा सा रिवर्स बेस का एक इफेक्ट के लिए। इसके बाद सब बेस। हायर ऑक्टेव के बेस का मैंने रिवर्स नहीं किया है, सिर्फ सब बेस का किया है, just to give a feel of something is coming up. उसके बाद इलेक्ट्रिक पियानो है हमारा, और ये कॉर्ड्स हैं इलेक्ट्रिक पियानो के, और इलेक्ट्रिक पियानो भी मैंने लॉजिक का ही यूज़ किया हुआ है ये। इसके साथ गिटार, ये गिटार बेसिकली सेशन गिटारिस्ट से मैंने बजाया है, प्रोग्राम किया है, और इसके साथ में कुछ जगहों पे तुम्बी भी ऐड की है मैंने। तो विद रिदम और विद बेस
विद इलेक्ट्रिक पियानो सुनते हैं, तुम भी गिटार सब कुछ साथ में। इलेक्ट्रिक पियानो हर जगह पे अलग अलग तरीके से थोड़ा बजा हुआ है, आगे तो ऑलमोस्ट सेम है, स्टार्टिंग में डिफरेंट है। ये पीछे कॉर्ड्स, सो बेसिकली एक लीड भी थोड़ी सी चल रही है, आप सुने पूरे गाने में इसको। Then there is harmonium chords, जो कि मैंने क्रिप्टोजाइफर हारमोनियम से प्ले किए हैं। आगे भी हारमोनियम यूज है। So basically, इस सेक्शन में हारमोनियम के दोनों ऑक्टेव्स यूज हो रहे हैं, यहां पे सिर्फ एक ही ऑक्टेव है। उसका रीजन यह है कि कोरस में पूरा भराव के लिए, पूरा भरने के लिए, उसे उठाने के लिए कोरस को मैंने दोनों ऑक्टेव इसमें हारमोनियम के यूज किए हैं। और पीछे इसके लेयर किया है मैंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स यूजिंग सेरम। सो बेसिकली ये एक लोअर ऑक्टेव है, ये एक हायर ऑक्टेव है, मैंने उसी की वेव फाइल कन्वर्ट की हुई है, एक मिडी है और एक वेव फाइल में कन्वर्ट किया है। और इसके साथ चल रही है एक हारमोनियम की। साथ में मैंने आगे यूज की हैं पैड्स। ये पैड्स भी मैंने लॉजिक से ही यूज करके, लॉजिक इंस्ट्रूमेंट को यूज करके ही बजाए हैं, लॉजिक की ही साउंड है ये। और किक के साथ इसका थोड़ा साइड चेनिंग है ताकि एक अच्छा इफेक्ट लगे। इसके बाद आती है शहनाई, जो कि बीच बीच में आप लोगों को सुनाई दे रही होगी, इंट्रोडक्शन में भी, इंट्रो में भी आपने सुनी होगी ये शहनाई। और इसी शहनाई से आगे इंटरल्यूड भी है। और इसके साथ में ही हारमोनियम भी चल रहा है, बैकिंग में हारमोनियम के कॉर्ड चल रहे हैं शहनाई के साथ। और शहनाई में भी एक हायर ऑक्टेव है जब मेन बीट शुरू हो जाती है, तो उसके बाद थोड़ा अलग स्टाइल से बजाया है हायर ऑक्टेव को, जस्ट टू गिव डिफरेंट स्पेस। और उसके बाद कुछ इफेक्ट्स हैं, राइजर्स हैं, अपलिफ्टर डाउनलिफ्टर्स हैं पूरे गाने में, लाइक दिस। सो दिस इज द डाउनलिफ्टर। और उसके बाद एक राइजर है जो कि कोरस की तरफ जाते हुए आता है। सुनते हैं सर।
सो दीज आर द मेन एलिमेंट्स जो मैंने मेजरली इंस्ट्रूमेंटेशन और रिदम में यूज किए हैं. मैं अपनी प्रोडक्शन क्लीन रखने की कोशिश करता हूँ, बट कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनमें स्पेशली कोरस में काफ़ी भराव की ज़रूरत होती है और मिक्सिंग के टाइम पे काफ़ी ध्यान देना पड़ता है फिर उसमें कि क्लीन साउंड आए, वोकल्स सामने रहें, कुछ भी छुपे ना, सारी चीज़ें क्लीन रहें. बट उसका सबसे मेजर जो तरीका है वो ये भी है कि आप जब भी म्यूज़िक प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जो लेयरिंग करते हैं साउंड्स की, उन्हें क्लीन रखें. वो ऐसी रखें कि वो मिक्स के बाद सुनाई दें, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ क्लैश कर रही हैं वो और बाद में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है. सो कोशिश ये रहनी चाहिए कि कुछ भी आपस में क्लैश ना करे, और अगर कुछ क्लैश कर रहा है तो वो मिक्सिंग में क्लीन हो जाए, चाहे थोड़ा कम सुनाई दे. और उसके बाद मेन वोकल्स हैं मिका बाजी के, दीज आर द वोकल्स. तेरे नाल मैं करता लाइफ इमेजिन, तेरे नाल मैं करता लाइफ इमेजिन, बन जा मेरी. मैं आप लोगों को एक बार ड्राई वोकल सुनाना चाहूंगा विदाउट एनी इफेक्ट. मेरी वाइफ इमेजिन, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे हम, गाने लाउड बजाएंगे, तू हाँ कर दे एक बारी, तू हाँ कर दे एक बारी, तू हाँ कर दे एक बारी, ये कुड़िये जग घुमाएंगे. और अब सुनते हैं विद इफेक्ट्स. सो बेसिकली जब मैं म्यूजिक बनाता हूँ तो मैं एक अपना प्रीमिक्स टाइप का करके रखता हूँ वोकल्स का, इंस्ट्रूमेंट्स का, सबका, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया मिलता रहे कि मिक्स के बाद ये कैसा साउंड करेगा, एक फ्लेवर कैसा इसका आएगा. और मोस्टली मैं अपने गाने खुद ही मिक्स करता हूँ, किसी और से मिक्स करवाता नहीं हूँ. अब सुनते हैं एक बार आफ्टर इफेक्ट्स. तेरे नाल मैं करता लाइफ इमेजिन, तेरे नाल मैं करता इमेजिन, हाय इमेजिन ओए इमेजिन, हाय इमेजिन ओए इमेजिन. सो ये मैंने बेसिकली एक वोकल जो है उनके टेक जो था उसको मैंने लेफ्ट राइट कोरस डाल के थोड़ा वाइड कर दिया है. इसको मैंने स्प्रेडर बेसिकली यूज किया है मैंने लॉजिक का, और इसे लेफ्ट राइट कर दिया. और मेन वोकल्स बीच में ही हैं. सो जब यहाँ से यहाँ पीछे से आगे आते हैं वोकल्स तो आप डिफरेंस स्पॉट कर पाएंगे. जग घुमाएंगे इमेजिन, इमेजिन हाय इमेजिन ओए इमेजिन, हाय इमेजिन ओए. ऑब्वियसली मिक्सिंग में हम इसे ज्यादा बेटर कर सकते हैं, बट अभी के लिए सिर्फ मिक्सिंग, जब म्यूजिक बनता है तब के लिए एक आइडिया के लिए हम लोग ऐसा प्रीमिक्स करके एक रख सकते हैं, ताकि हमें थोड़ा आइडिया रहे कि आगे चल के कैसा रहेगा साउंड. एंट्री बजाने दिस इज द अंतरा. ये क्या हुआ है जो भी दबास मेरे तुझ पे फिदा हुआ है, तेरी एंट्री पे जाने दिल को ये क्या हुआ है जो भी तबास मेरे तुझ पे फिदा हुआ है. ओ सोनी है ओ बल्ली है, दूर नजरों से तू न जा. सो ऐसे ही मैंने पाजी के, मिका पाजी के वोकल्स को यूज करके स्टार्टिंग में कुछ बनाया था. इंट्रोडक्शन में मैंने यूज किया है इनके वोकल्स, ये रहे. सो ये गाने का इंट्रो है बेसिकली. ये मिका बाजी ने गा के नहीं भेजा था, बट मैंने कोरस में से काट के अपने आप इसे चॉप करके यूज करके टेलीफोनिक थोड़ा सा इसे बना के मैंने यूज किया है इंट्रो के लिए. और ऐसे ही बीच बीच में आप ये सुनेंगे. सो दिस साउंड्स लाइक अ डिले, बट मैंने वही टेलीफोनिक स्टाइल का वोकल लगाया है डिले की तरह यूज करने के लिए. Imagine,
सो इस तरीके से मैंने कुछ कुछ चॉप्स लिए हैं, बीच बीच में उनके वोकल्स को यूज़ किया है. और आगे एक और अंतरा है वो केका घोषाल ने गाया है, ये है उनके वोकल्स. सोच के मेरा दिल कुछ पंप सा हुआ है, ये हार्ट रेट भी तो कुछ जंप सा हुआ है. बहुत ही एनर्जेटिक आवाज, बहुत ही सुंदर आवाज, बहुत ही सुरीली आवाज केका की. सो दिस इज हाउ आई मेड दिस सॉन्ग. और अगर आप लोगों को कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या जो भी आप कुछ डाउट्स हैं, जितना मुझे मालूम होगा मैं आप लोगों तक उसे पहुंचाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हो सकती हैं चीज़ें. सो एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस, प्लीज़ कमेंट बिलो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट. थैंक यू.